हजारीबाग के कटकमसांडी में नक्सलियों का उत्पात एक बार फिर दहशत फैला गया। कटकमसांडी रेलवे स्टेशन पर खड़े आधा दर्जन लोडर और हाइवा को आग लगाकर उन्होंने जला डाला। लगभग 3 करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सारी गाड़ियों का काम रेलवे ट्रैक को लोड करने का था। जानकारी के मुताबिक इस घटना को लेवी नहीं मिलने के कारण नक्सलियों ने अंजाम दिया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार दुबे ने बताया कि बगल में चतरा जिले से नक्सलियों की आने की आशंका है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्रवाई कर इन उग्रवादियों को पकड़ लिया जाएगा। घटना करीब 1 बजे रात की है। कुछ अज्ञात अपराधकर्मी लोग आए और यहाँ के गार्ड को, जो सिक्योरिटी गार्ड में थे, उनको उनका मोबाइल छीन लिया और वाहनों में आग लगा दिया। हम लोग को सुबह में सूचना मिली, छानबीन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। कितने वाहनों में आग लगाया है जी? कितने वाहन में आग लगाया गया है? ये 3 हाइवा है और 3 पे लोडर है। क्या लग पा रहा प्रथम जानकारी में क्या मिल रही है जानकारी? सर पर्चा भी छोड़ा और आज से पहले 15 दिन पहले भी पर्चा छोड़ा गया था इस मामले को लेकर के, तो कहाँ चूक हो गया सर कि इस तरह की बड़ी घटना घटी है? अभी जांच के बाद पता चलेगा। कुछ कितने की संख्या में आए थे नक्सली बता दें? 10-12 की संख्या में थे, सादे लिबास में, हथियार बंद लोगों के पास था। पुलिस के लिए सर कितनी बड़ी चुनौती है, चूँकि काफी दिनों बाद इस इलाके में इस तरह का नक्सली धमक हुआ है, ग्रामीण दहशत में है? चतरा जिले से सटा हुआ है और चतरा जिले में जो सक्रिय टीपीसी के उग्रवादी हैं उनके द्वारा ये किया गया कारनामा है, पता लगा रहे हैं, बहुत जल्द दबोचे जाएंगे।